गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सिस्टर एल्टा, कैथलिक मिशन हाई स्कूल सेकेंडरी झाबुआ. स्टूडेंट, टुडे वी लर्न द पोएम. क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश. टुडे वी लर्न द पोएम द मून. What is the meaning of moon? The moon is Chandrama. The moon is Chandrama. Therefore, I am going to teach you a poem. This moon, moon means Chandrama. The poem was written by R.L. Stevenson. The poem was written by R.L. Stevenson. Sun. It's a small poem, but it's very meaningful poem. Children, pay attention. First and foremost, pay attention. We'll have the two general question. Okay? First we'll have two general question about the Chandrama, the moon. Do you like Chandrama? आपको चंद्रमा पसंद है? Yes, I like Chandrama very much. मुझे चंद्रमा बहुत पसंद है. Do you like Chandrama? Yes, I like Chandrama very much. Okay, मुझे चंद्रमा बहुत पसंद है. अभी दूसरा second question है. Why do you like it? Why do you like it? आपको क्यों पसंद है? आपको क्यों पसंद है चंद्रमा? I like Chandrama because it's so charming, lightens every corner of the earth. Charming means आकर्षक. Charming means आकर्षक. चंद्रमा I like Chandrama very much because he is so charming and lighted everyone's corner of the earth. Chandrama पूरे पृथ्वी पर क्या देता? आपकी चंद्रमा लाइट देते, इसलिए मुझे Chandrama बहुत बहुत पसंद है. समझ में आया? Understood? Now we'll go poem. Okay, open your textbooks and point out where I am reading. When I read, I will line to line, paragraph to paragraph, I will explain. Pay attention. Okay, the moon has a face like the clock in the hall. क्या चंद्रमा का मुंह बड़े कमरे में घड़ी के जैसा है? चंद्रमा का मुंह गोल और कैसा है? गोल और बड़ा है. She shines on thieves on the garden wall. क्या वह चारों पर बगीचा के दीवार पर रास्ते में एवं खेतों में बंदरगाह में पर है? On trees and fields and hover gaze and buddies asleep in the forks of the tree. इसका मतलब है वह पेड़ों की शाखाओं पर से भी चिड़िया के बच्चों से भी चमकाता है. पेड़ों से शाखा, एक चंद्रमा का गोल है हम घड़ी के समान और हमारे हॉल में टंगा है. ओ
क्या है जैसा घड़ी के समान है। वो बहुत चमकाता है, क्या करता है, बहुत चमकाता है। द मून एज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द होल, क्या कि एक चंद्रमा का, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा का मुंह बड़े कमरे के घड़ी के जैसा बोल है। ओके, शी शाइन्स ऑन थिंग्स ऑन द गार्डन वॉल, वह चारों पर बगीचे की दीवार पर, रास्ते में, खेतों में और वो बंदरगाह में है। ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर्स गेज एंड बडीज अस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज, वह पेड़ों को के शाखाओं में भी चिड़िया के बच्चों पर चमकाता है। ओके, चंद्रमा कैसा है, एक गोल घड़ी के समान, जैसे हमारे हॉल में हॉल है बड़ा कमरा, उसके जैसा उसका मुंह है। ओ, उसकी चमकनी जैसे खेतों में, जैसे पृथ्वी में और जैसे पेड़ों के सब में, क्या उसकी चमका रही है, उसका चमक का चमकी लाइट हो रही है। ओके, अभी दूसरे सेकंड प्राइम। द स्पीकिंग कैट एंड स्पीकिंग माउस, इसका मतलब है कि चिट्टी बिल्ली और चूचू करता चूहा पर घर के दरवाजे में गुजारता है। ओके, द स्पीकिंग कैट एंड स्पीकिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, इसका मतलब है कि चिट्टी चिल्लाती बिल्ली और चूचू करता चूहा और दरवाजे के पास जो कुत्ता है वो भी दोपहर के समय सोता हुआ, उसका चंद्रगाम सभी चांद के प्रकाश से में क्या करते हैं, निकलने से पसंद करता है। जो बिल्ली और चूहा और दरवाजे के सामने जो कुत्ता रहता है उनके लिए भी जो उसका चंद्रमा होता है वो भी चमकता है। बट ऑल ऑफ अस द थिंग दैट बिलोंग ऑन द डे क्रेडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आईज स्टिल अप इन द मॉर्निंग द सनशाइन राइज, परंतु सारी वस्तु को जो दिन संबोधित है उसे निकलने पर स्नेह मिलती है अपने पास और जो सोते उनके, तथा फूल और बगीचे को भी आंखें मूंदे लगते हैं ताकि रात ऊपर सूरज निकलने के आए। सुनो बच्चे, क्या ये हमने ये पोएम पढ़ी है, हम वापस एक बार पोएम हम रीड करेंगे और सीखेंगे। वी विल रिसाइट द पोएम नाउ। द लेसन नंबर 8, द मून, मून मीन चंद्रमा। दिस पोएम इज रिटन बाय आर्यन टिवनसन। दिस इज द पोएम मीन्स द मून, हाउ मून इन द स्काई ही गिव्स द ऑल लाइट, लाइट का मतलब हमको प्रकाशित करती है, इसके बारे में सबके लिए प्रकाशित करती है रात को और इसकी चमक की सबके, जो पृथ्वी स्थल पर जो जीव जंतु है सबके लिए बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से आर्य टिवनसन ने अपने छोटे इसमें उसका उल्लेख करके एक छोटे से एक क्लास बच्चे के लिए उसने लिखा है। इस
poem has written Ariel Tiber Sun. First we had the gender two question. Do you like Chandama? Yes, I like Chandama. Do you like Chandama? आपको चंदामा पसंद है? Okay? Yes, I like चंदामा very much. मुझे चंदामा बहुत पसंद है. चंदामा मुझे बहुत पसंद है. Why do you like it? आप पसंद क्यों करते हैं उसको? I like चंदामा because he is so charming. Charming means आकर्षक. Charming and like in every corner on the earth. Chandama मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी charming, इसकी आकर्षक, इसकी प्रकाश मुझे बहुत पसंद है. इसलिए आर्यन किवन सन ने इस poem में अपने इस poem में इसने उल्लेख किया है. हम ये poem को recite करेंगे. बच्चे ध्यान दीजिए. लेसन नंबर 8. द मून. द मून मीन चंद्रमा. द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द होल. शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल. ऑन ट्रीज एंड फील्ड्स एंड हार्बर गेट्स एंड बॉडीज अस्लीप इन द फॉग्स ऑफ द ट्रीज. The squeaking cat and the squeaking mouse. The howling dog by the door of the house. The bat and the lice in the bed at noon. All love to be out by the light of the moon. But all of the things that belong to the day. Cradle to sleep. To her, out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. Ariel Tivansen. Charity begins at home. ऐसे बोल रहे हैं. Charity begins at home. How so wonderful this poem. Children learn this poem is very small poem, but its meaning is very, very meaningful, very interesting poem. Okay? Cradle. Cradle means sona. Harbor. Bandarga. Howling. Purana. Squeaking. Chitna. Fox. Shakai. Squeaking. Choo-choo. Okay? We learn the poem. Now children, once again you read this poem, learn the spelling and recite yours by yourself. Okay? Thank you.